आप बेशक उड़े पर उतना जहां से आपको जमीन दिखे। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है यश कुरचानिया और आप देख रहे हैं टेक टॉक विद यश। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज की जो सबसे पहली टेक न्यूज आ रही है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 की। जी हाँ, उसका एक टेजर लॉन्च कर दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि ये 29 मार्च को मोबाइल लॉन्च होने वाला है, पर उससे पहले अभी अब एक टेजर लॉन्च किया गया है जिसमें देख के पता चलता है कि इसके कुछ नए अच्छे कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो टेजर है ये इनकी वेबसाइट पे देखने को मिला है सैमसंग की, तो देखते हैं। और बाकी तो 29 तारीख को पता चलेगा, 29 मार्च को, कि क्या क्या और नई फीचर्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो सब लीक्स के थ्रू पता चल चुका है, पर और क्या नई चीजें हैं वो देखने को हमको 29 मार्च को मिलेंगी। और दोस्तों, इसके बाद जो आज की अगली टेक न्यूज आ रही है वो है UDI की तरफ से। जी हाँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे कर दिया है उनने कई वेबसाइट्स को बैन जो कि यूज करती हैं आधार कार्ड का नंबर, या फिर अभी जो बहुत सारी जो एप्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे प्ले स्टोर पे जो कि मतलब जेन्युइन नहीं है, उनको भी जल्द ही जो है UDI बैन करने वाला है, क्योंकि उनके सामने बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है ऐसी एप्लीकेशंस और वेबसाइट की जो कि जेन्युइन ना होने के बाद भी, फेक होने के बाद भी जो है आपका आधार कार्ड नंबर लेके इनलीगल तरीके से काम करती हैं। और दोस्तों, अगली टेक न्यूज जो आ रही है वो है गूगल की तरफ से। जी हाँ, गूगल ने अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है गूगल क्रोम का, Chrome 57। और इस अपडेट में शामिल है कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ऑपरेट होने का, जैसे कि ये ऑपरेट हो सकता है विंडोज के अलावा मैक, लिनक्स एक्सेट्रा पे। साथ में इसमें iOS के लिए जो नया अपडेट है इसके लिए वो ये भी है कि रीड लेटर फीचर मिलेगा आपको इसमें, जो कि अगर आप पेज ब्राउज कर रहे हैं तो उसको ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसमें अपडेट है वो ये है कि ये अगर आप एक लैपटॉप पे यूज करेंगे तो वो आपकी बैटरी ऑप्टिमाइज करेगा, जिससे कम बैटरी पावर यूज होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा यूजेस इससे मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद जो आज की अगली टेक न्यूज आ रही है वो कुछ ये है कि फूट गए हैं बम, अरे मतलब कि हेडफोन फूट गया है एक पैसेंजर का जो कि ट्रेवल कर रही थी एरोप्लेन में। जी हाँ, और ये वायरलेस हेडफोन था। तो दोस्तों, अगर आप में से भी कोई वायरलेस हेडफोन यूज करता है तो जब उसको यूज करें तो जगते रहें, क्योंकि पता नहीं कब धुआं उसमें से निकले और आपके कान के पीछे बम ब्लास्ट हो जाए। तो दोस्तों, संभाल के यूज कीजिए, सेफली यूज कीजिए। और दोस्तों, इसके बाद जो आज की अगली टेक न्यूज आ रही है वो है मोटो की तरफ से। जी हाँ, मोटो का मोबाइल Moto G5 लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में, और इसकी प्राइस रखी गई है 14,999 रुपीज, यानी कि 15,000 रुपीज। और काफी अच्छा फोन है, और इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे जो कि 3GB RAM और 16GB इनबिल्ट मेमोरी, और दूसरा वेरियंट 4GB RAM और 32GB इनबिल्ट मेमोरी। और काफी इसमें एक्साइटिंग फीचर्स हैं और अलग अलग फीचर्स हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा देखने के लिए मेरी वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और मैंने अलग से एक वीडियो भी उसके बारे में बना रखी है, तो आप अगर चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। और ये एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, तो अगर आप इसको चाहें खरीदना तो वहां से खरीद सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो आज की अगली टेक न्यूज आ रही है वो है शाओमी की तरफ से। जी हाँ, शाओमी प्लान कर रहा है अपने एक लॉन्च इवेंट को 20 मार्च को करने का। जी हाँ, और इसको होस्ट करेंगे मनु जैन। और इस लॉन्च इवेंट में शाओमी जो है लॉन्च करेगा अपने शाओमी रेडमी 4 और 3 अदर डिवाइसेस को। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या नए और जो डिवाइसेस हैं वो लॉन्च करता है, और शाओमी रेडमी 4 के बारे में क्या क्या नई चीजें हमको देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो बात करें अगली टेक न्यूज की, तो लगता है कि पुराना समय वापस आ गया है, क्योंकि दोस्तों जैसे पहले चिट्ठी या इनके पोस्ट के थ्रू आप भेजते थे पैसे, तो अब ठीक उसी तरीके से जीमेल का जो नया फीचर है अब उसके थ्रू अभी आप भेज सकते हैं पैसे। फिलहाल एक्सक्लूसिवली ये US में ऑन किया गया है, वो भी वेबसाइट पे ऐप के थ्रू अभी ये चालू नहीं किया गया है। हाँ, आप वेबसाइट के थ्रू अभी US में करेंटली पैसे भेज सकते हैं, पर जल्द इसका अपडेट जो है वो आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। और जब ये इंडिया में आएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही। आज की टेक न्यूज़ दोस्तों आपको जान के कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं,
और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में टाइप करके बताएं, साथ में लाइक कीजिए, और अगर कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी आप जरूर टाइप कीजिए, और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।